हम लोग आर्किटेक्चर को देख रहे थे कि बेसिकली आर्किटेक्चर है क्या। इसमें मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर में बेसिकली हमने क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि डेट व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम और वो उनके कंपोनेंट्स क्या होंगे और उनका आपस में जो रिलेशन है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये तो आर्किटेक्चर किससे बात कर रही, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं मॉडल की। मॉडल बेसिकली क्या होता है, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है सिस्टम का वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है डिज़ाइन की कि डिज़ाइन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है। ये भी स्ट्रक्चर ही सिस्टम का जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स देखते हैं। इसमें हम लोग इनर बिहेवियर देख रहे होते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं आउटर बिहेवियर। कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स मीन्स कि जैसे हम लोग कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, उन कंपोनेंट्स के दरमियान में रिलेशन क्या है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और हम लोग बताते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स के डेट व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस फॉर द कंपोनेंट्स और फॉर द डेट कंपोनेंट्स के उसमें हम लोग कौन सी वैल्यूज़ इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक हम लोग इंटीजर्स के यूज़ करेंगे या फिर हम लोग बुलियन में कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो है वो मॉडल में डिस्कस करते हैं। तो ये था डिफरेंस भी इसमें इसने डिस्कस किया हुआ है कि डेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन और हमारे पास आ जाता है डिटेल्ड डिज़ाइन। सबसे पहले आर्किटेक्चर होता है, देन हम लोग उसके बाद डिज़ाइन क्रिएट करते हैं एंड देन उस डिज़ाइन से विद द हेल्प ऑफ दैट डिज़ाइन हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग अपने जो कोडिंग है उसको हम लोग यहाँ पे आके करते हैं। उस देन हम लोग जो है इम्प्लीमेंट मतलब सॉफ्टवेयर की एक्चुअल फॉर्म में उसको हम लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सबसे पहले आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन की। आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन जो होता है वो हाई लेवल डिज़ाइन होता है, मींस ओवरऑल स्ट्रक्चर को ही हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। हम लोग बताते हैं कि डेट व्हाट आर द मेन मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे, मेजर कंपोनेंट्स उसमें कौन से होंगे और उन कंपोनेंट्स के दरमियान में जो कनेक्शन होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं थ्रू आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन। और ये हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो इसमें फोकस होता है वो होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस भी बोलते हैं। और इसमें हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन में आ जाती हैं। और ये डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना, मतलब हम लोग जो है उसको उन कंपोनेंट्स को, उनके जो रिलेशन है, उनके बिहेवियर को अगर हमें चेंज करना पड़ जाए तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है इन आर्किटेक्चर। और देन उसके बाद वो बात कर रहा है डिटेल डिज़ाइन की। अब डिटेल डिज़ाइन क्या होता है कि लो लेवल डिज़ाइन, मीन्स कि लो लेवल डिज़ाइन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इनर स्ट्रक्चर होता है मेन मॉड्यूल्स का उसको हम लोग देख रहे होते हैं। और इसमें हम लोग जो है इसके थ्रू, मतलब सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर बना लिया, देन हम लोग ने डिज़ाइन बना लिया, देन इसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन जो है हम लोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की या फिर सॉफ्टवेयर की। तो ये था आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन हमारे पास क्या आ जाता है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम लोगों ने वेरी फर्स्ट स्लाइड में उसकी डेफिनेशन देखी कि हमें आर्किटेक्चर बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। कंपोनेंट्स हमें डिफाइन करता है कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, मेजर मॉड्यूल्स कौन से हैं, उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, और कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मीन्स के रिस्ट्रिक्शंस। अब वन बाय वन वो डिस्कस कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स कि जैसे हम लोग एक सिस्टम है उसको हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक तो मेजर सिस्टम आ जाएगा, देन उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सब सिस्टम है, उसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। हम लोग उसको सब सिस्टम में मीन्स कि हम लोग एक कंपोनेंट हम लोग ने, मतलब सबसे पहले ऊपर मेजर कंपोनेंट आ जाएगा, मेजर सिस्टम आ जाएगा, देन उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग सब सिस्टम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब फर्दर मॉड्यूल्स में हम लोग जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग सब सिस्टम्स क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास फर्दर डिकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम लोग जो है
मॉड्यूल्स को क्लासेस में डिकम्पोज करते हैं, मॉड्यूल्स को क्लासेस में हम लोग जो है वो फर्दर डिकम्पोज कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे वैसे इसकी एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा मेजर सिस्टम, ये हमारे पास क्या है एक जो है वो मेजर, मतलब मेजर मॉड्यूल आप कह लेंगे टॉप वाला जो है. हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज के व्हाट्सएप को आज लेते हैं, व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये हमारे पास एक सिस्टम है. अब इसको हम लोग फर्दर जो है इसके कंपोनेंट्स जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग फर्दर जो है वो डिकम्पोज करेंगे. अब वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं. ये आ गया, इसको हम लोग फर्दर जो है यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, कंपोनेंट्स इसके फर्दर हम लोग क्रिएट करते हैं. Then, ये एक हमारे पास अनदर कंपोनेंट आ गया. इसी तरह ही हम लोग, हमें पता है कि हमारे व्हाट्सएप में तीन मेजर फंक्शनैलिटीज हैं, एक तो कॉल्स की, एक स्टेटस की, और एक जो है वो मैसेज की है. अब इन तीनों को भी हम लोग आगे फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि उनको जो सब कंपोनेंट्स हैं, जो सब मॉड्यूल्स हैं, उनको हम लोग एक ही उनकी ब्रांच लेके चल रहे हैं. उनकी अगर हमें लगता है कि दो ब्रांचेस, मतलब दो मॉड्यूल्स में हम लोग फर्दर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको दो में डिकम्पोज कर लेंगे. इसको मैं एडमिट कर लूँ. ओके अच्छा, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं. लेट्स सपोज कि जैसे हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप की एग्जांपल हम लोगों ने ली, ऐसे ही हम लोग लेके आते हैं. व्हाट्सएप में हमें पता है कि हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाती है मैसेज आ जाते हैं, मैसेज, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आप ले लें स्टेटस को, जैसे हम लोग स्टेटस अपडेट वगैरह करते हैं, स्टेटस आ गया. और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉल को. ये दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स, ये मेजर कंपोनेंट्स है व्हाट्सएप के. अब इनको हम लोग फर्दर डिकम्पोज भी कर सकते हैं. अब कॉल जो है वो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, और वो हम लोग जो है वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. सब टू यू कि आप कौन से लेके चलना चाहते हो. अब स्टेटस, स्टेटस पे क्या है कि स्टेटस आप जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट में भी लगा सकते हो. यहाँ पे मैंने वैसे एक ही बनाया, लेकिन यहाँ इसके भी, इसको भी हम लोग फर्दर मोर डिकम्पोज कर सकते हैं. आप टेक्स्ट में भी कर सकते हो, और आप जो है उसको कोई आप वीडियो लगा रहे हो या फिर आप कोई ऑडियो लगा रहे हो, तो वो भी हम लोग स्टेटस पे लगा सकते हैं. अब यहाँ पे मैसेज से, मैसेज में भी इस तरह ही आगे हमारे फर्दर दो निकल सकते हैं. उसमें हम लोग कह सकते हैं कि आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स में क्या होता है कि हम लोग जो है हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि दैट व्हाट आर द कम्प्यूटेशनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और उन उस जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज करते हैं सब सिस्टम्स में. तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आ रही है, सब सिस्टम्स आ रही है, और उसको हम लोग फर्दर जो है वो मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि फर्दर डिकम्पोजिशन जो है उसमें पॉसिबल नहीं होती. जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल ली प्रोग्रामिंग की, उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की ले ली, इसको हम लोग फर्दर जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं क्लासेस में. तो ये थी, ये होते हैं कंपोनेंट्स के, जो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के जब हम लोग कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग जो है इस तरह से उसको फर्दर जो है मेजर फंक्शनैलिटीज बता के देन हम लोग फर्दर जो है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं. इसी तरह ही हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स आ जाते हैं. इसको मैं पहले रिमूव कर दूं. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स. अब हमें पता है रिलेशनशिप क्या होता है, कि जो कंपोनेंट्स थे, जैसे वो उन कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उन कंपोनेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप, वो जो लाइन ड्रॉ की हुई थी उससे हम लोग जो है वो किसको डिफाइन कर रहे थे, रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे थे. तो रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल ले रहे, जैसे क्लाइंट और सर्वर होता है,
क्लाइंट, एक क्लाइंट हमारे पास डेटाबेस होता है और एक सर्वर डेटाबेस होता है, मतलब एक क्लाइंट सर्वर होता है और एक जो है हमारे पास आ जाता है, हम लोग हमारे पास जो मेजर सर्वर होता है कि मतलब जिससे हम लोग एक्सेस ले रहे होते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि मतलब क्लाइंट वाला और मतलब क्लाइंट सर्विस प्रोटोकॉल्स और डेटाबेस प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, कि इसी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उनके दरमियान में हम लोग रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन करें। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या आती हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं उन कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप के लिए। मींस कि आप जो है कनेक्ट तो कर रहे हो, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी हुई हैं, जो कंपोनेंट्स आपको दी हुई हैं, लेकिन मे बी वो इसकी यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको रिस्ट्रिक्शन दे दे, कंडीशन दे दे कि जो पैरामीटर की टाइप्स है उस पर कंडीशन दे दे कि आपने वो इंटीजर अप्लाई करना है, बुलियन अप्लाई करना है कम्युनिकेशन के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस हम लोग जो है अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग अगर रियल टाइम में अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मे बी हम लोग रिस्ट्रिक्शन रख दें कि ये जो है सिर्फ जो है वो ओल्ड पीपल जो है वो इसको यूज़ करेंगे, यंगस्टर्स के लिए नहीं है और चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। तो आप ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है उस पर अप्लाई कर देते हो। जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पे वो दे रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड दे रहा है कि पैरामीटर्स की टाइप में आप क्या देते हो कि आप जो है इसमें इंटीजर अप्लाई कर सकते हो और बुलियन अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आर्किटेक्चर्स कंपोनेंट्स हैं और इनके दरमियान में जो रिलेशन है बेसिकली ये हमें क्या डिफाइन करे होते हैं, ये जो हमें डिस्क्राइब करते हैं आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के, डेट वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉफ्टवेयर और वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर सिस्टम। तो ये चीज़ें हम जो है आर्किटेक्चर में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को यहाँ पे वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा आर्किटेक्चर में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। तो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन क्या है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, इस ये मॉडलिंग हम लोग क्यों करते हैं कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, ये एक डायग्राम भी होती है, इसके आगे हमें दिखाएगा भी वो पिक्टोरियल फॉर्म में इसकी एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे डायग्राम की। ये कंपोनेंट जो लेवल डिज़ाइन है ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन का जो पर्पज़ होता है ना, हम लोग डिज़ाइन क्रिएट ही तब करते हैं जब हमारे सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग ने इजीली डिफाइन करना होता है, तो देन हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो जब हमारा सिस्टम जो है वो मोर मतलब हमारा सिस्टम उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मॉडलिंग करते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं। तो आर्किटेक्चर में हम लोग कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि जो हमारा मतलब आर्किटेक्चर है अगर उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो को हम लोग जो है सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लोग किस तरह से इसको बिल्ड कर रहे होते हैं, हम लोग जो है कंपोनेंट्स जो है बिल्ड करते हैं फ्रॉम द वन आर मोर क्लासेस, एंड देन उसके थ्रू जो है हम लोग एक वेल डिफाइंड इंटरफेस जो है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स मीन्स कि जिस तरह से अगर हमारे पास हम लोग यूज़ केस को देखें तो यूज़ केस में हमारे पास यूज़ केस आ जाता है, सिस्टम आ जाता है और एक्टर्स आ जाता है। इसी तरह ही हमारे पास कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में क्या एलिमेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स बेसिकली हमें रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि डेट वट आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास टाइप्स बता रहे हैं कंपोनेंट्स की कि क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं कंपोनेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू द आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि कंपाइल टाइप में क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है कि सोर्स कोड आ रहा है, मतलब जो प्रोग्रामिंग है बाइनरी और एग्जीक्यूटेबल, और रन टाइम में हमारे पास क्या आ रहा है एग्जीक्यूटेबल। और वेब अगर हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और इमेजेस जो हम लोग अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग वेब पेज पे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह ही हमारे पास आ जाती है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या होती है, बेसिकली कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से एक कंपोनेंट जो है वो अदर कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा है, कि मीन्स एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है उनको वो कैसे यूज़ कर रहा है, ये जो है हम लोग कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जो कंपोनेंट्स है वो दूसरी क्लासेस से अदर कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कंपाइलेशन डिपेंडेंसेस, कि मतलब दो हमारे पास सोर्स कोड की फाइल्स हैं, अगर हम लोग दोनों अगर हम लोग ने जो पहली वाली फाइल है वो उसकी दूसरी वाली फाइल पर डिपेंड कर रही है, तो हम लोग ने एट द सेम टाइम दोनों को जब तक रन नहीं करेंगे वो हमारा कोड जो है उसको कंपाइल नहीं करेगा। तो ये है कि कंपाइलेशन डिपेंडेंसेस बता रहे हैं।
यहाँ पे अब हमें ये कंपोनेंट डायग्राम की बता रहे कि किस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने का ये, जैसे हम लोग डोमेन मॉडल में सिंपल स्क्वेयर ड्रॉ करते थे, लेकिन कंपोनेंट डायग्राम को ड्रॉ करने का वे क्या है, आपने स्क्वेयर ड्रॉ करना है और उसके अंदर दो इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट कर देने हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये दूसरे कंपोनेंट है, ये अलग से कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास क्या है कि सेल सिस्टम का कंपोनेंट है, इससे निकल रहा है सेल्स, और सेल्स किसकी हो रही है, प्रोडक्ट्स की, और प्रोडक्ट्स हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, शॉप से। तो ये क्या है कि कंपोनेंट डायग्राम को जो है इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो इसके कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट डायग्राम होती है उसको हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, और इसकी जो मतलब जो इसका रिलेशनशिप है वो हम लोग किस तरह से उसको किस तरह से हम लोग शो कर रहे हैं। ये एरो है लेकिन एरो पूरा प्रॉपर नहीं है, इसमें दरमियान में जैसे यहाँ पे स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसको इंटरलिंक करने का जो वे है वो क्या है कि थ्रू एरो हम लोग करते हैं, और इस तरह से बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कोई डोमेन मॉडल क्रिएट करते हैं है उसी तरह से ही, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो डिफरेंट है कंपोनेंट लेवल्स में। और इसमें हम लोग देखते बेसिकली क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग जो है डिफाइन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन। डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन अब हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन क्या होता है बेसिकली, डिप्लॉयमेंट सबसे पहली चीज़ के डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि जब हम लोग अपने यूज़र को वो सॉफ्टवेयर दे देते हैं कि वो उसको यूज़ करे, और यूज़ करके देन हम लोग उससे फीडबैक लेते हैं। तो जो फिजिकली जो रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग, जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं कि हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर था वो हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन में क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है आर्टिफैक्ट्स को शो कर रहे होते हैं विद इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग। आर्टिफैक्ट मीन्स कि जो आपने उसको सॉफ्टवेयर दिया, जो आपने उसको उसका जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करके दिया, तो जब वो रियल वर्ल्ड सेट मतलब रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ करेगा तो वो कैसा दिखेगा। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं नोड्स। नोड्स क्या है कि ये हमारे पास कंप्यूटेशनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज आ जाते हैं। नोड्स को भी हम लोग स्क्वायर के बॉक्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट्स को किया। इसमें एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रोसेसर्स आ रहे हैं, प्रिंटर्स आ रहे हैं, राउटर्स आ रहे हैं, और कनेक्शन क्या है बिटवीन द नोड्स, किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उन राउटर्स को TCP/IP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर रहा है ऑन अ नोड। तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडिंग इन डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन। ये अब यहाँ पे हमें जो है वो शो कर रहा है कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट डायग्राम होती है। जैसे ये एक वेब सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये हमारे पास डेटाबेस आ जाता है, और इसके थ्रू मतलब डिवाइस जो है ये कनेक्टेड है। तो ये क्या है कि हमारे पास जो है डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेब सर्वर है, वेब सर्वर में हमारे पास क्या है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल है, एप्लीकेशन सर्वर है कि जहाँ पे वो सारा डिटेल्स पुट कर रहा है, और इंटरफेस है, एप्लीकेशन सर्वर मीन्स कि इंटरफेस जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, और यहाँ पे क्या है कि डेटा बेस जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, और ये क्या है कि यहाँ पे हमें वो डिवाइस है जिसके थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहा है। देन इसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से डिज़ाइन आप कर रहे हो, किस तरह से वो आपका आर्किटेक्चर है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो डिफरेंट वेज होते हैं कि जिसके थ्रू आप अपने आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमारे पास आ जाता है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास क्लाइंट सर्वर की एग्जाम्पल आ जाती है, डेटा फ्लो कि हम लोग जो है डेटा सेंड कर रहे हैं लाइक थ्रू पाइप्स और फिल्टर, इनपुट एंड आउटपुट, एंड कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम्स आर्किटेक्चर, जैसे मैंने आपको वो डायग्राम ड्रॉ करके दी कि ऊपर मेजर एंड देन उसके नेक्स्ट सब प्रोग्राम्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं, ये हम लोग मैसेज पास करके कोई भी हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर्स, जैसे डिफरेंट लेयर्स हैं उस तरह से हम लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे उसने ऐसे वो नहीं लिखी हुई, डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखी हुई,
उसने जस्ट शो किया हुआ है कि डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है. डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर मीन्स कि जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर डेटा स्टोर हुआ हुआ है और बाकी जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं वो जो है उस इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और उन उस डेटा को एक्सेस करके उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर मीन्स कि आपके पास इस तरह से डेटा स्टोर हुआ हुआ है और बाकी जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो उसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं. ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इस सारे आर्किटेक्चर्स देखे थे. मैं भी आपको दिखा भी दूंगी कि अगर मज़ीद आपने डिटेल में जाना तो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से देख लीजिएगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. डेटा फ्लो आर्किटेक्चर मीन्स कि किस तरह से इनपुट दे रहे हो आप और किस तरह से जो है वो आउटपुट जनरेट हो रही है. तो ये हमारे पास क्या है, दिस आर द फिल्टर्स के मतलब ये इनपुट जा रही है तो इधर से इस फिल्टर में जाएगी और एंड देन यहाँ से और फिर यहाँ पे क्या है कि आउटपुट जनरेट हो रही है. और ये हमारे पास क्या है, इनको क्या कह रहा है वो पाइप कह रहा है. यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट सेमी स्ट्रीम ऑफ डेटा फॉर द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड पाइप. मीन्स कि पाइप्स के थ्रू इन दोनों फिल्टर्स के दरमियान मतलब नेक्स्ट फर्दर जितने भी कम्युनिकेशन हो रही है वो इन पाइप्स के थ्रू हो रही है. मतलब इनपुट जो है वो सेंड आप इन पाइप्स के थ्रू कर रहे हो नेक्स्ट में और आउटपुट देन एट द एंड जो है वो जनरेट हो रही है. और फिल्टर क्या है कि वो इन्वॉल्व है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा के मतलब डेटा को ट्रांसफर करें. कम्युनिकेशन बेसिकली हम लोग इसके थ्रू पाइप के थ्रू कर रहे हैं और जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो फिल्टर के थ्रू हो रहा है. और ये अगर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लेके चल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्वेंशियल फ्लो आर्किटेक्चर. तो ये सिक्वेंशियल मतलब एक सिक्वेंस में डेटा जो है उसका फ्लो है, एक सिक्वेंस में डेटा जो है वो एंटर हो रहा है और एक सिक्वेंस में जो है एट द एंड जो है वो हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेन प्रोग्राम्स और सब प्रोग्राम्स आर्किटेक्चर. मींस के टॉप पे हमारा बिल्कुल मेन प्रोग्राम आ जाएगा एंड देन उसको फर्दर हम लोग डिकम्पोज करेंगे. फर्दर डिकम्पोज करके उसको हम लोग मजीद अगर वो डिकम्पोज हो सकता है तो उस तरह से हम लोग उसको मजीद करेंगे. जैसे हमारे पास मेन प्रोग्राम आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप कोई भी रियल टाइम में एग्जाम्पल ले सकते हो, कंट्रोल्स या कोई भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप के लिए, आप फेसबुक की ले लो, इंस्टा की ले लो या किसी भी सॉफ्टवेयर की, आप जो है उसको यहाँ पर रख के तो इसको देख सकते हो. कंट्रोल सब प्रोग्राम्स आ रहे हैं, देन फर्दर उसको एप्लीकेशन में किया और यहाँ पे कंट्रोल है उसको दो एप्लीकेशन में उसको सब डिवाइड किया, देन इसको फिर जो है इन दोनों को मजीद डिवाइड करके उसने यहाँ पे एक और सब प्रोग्राम जो है उसको जनरेट किया हुआ है. तो ये क्या होता है कि मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स क्या होता है कि मतलब टॉप पे मेन प्रोग्राम आ रहा होता है और फर्दर डिकम्पोज करके हम लोग सब प्रोग्राम्स को शो करते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है कि मींस हम लोग जो है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन शो करते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स और किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं थ्रू मैसेजेस, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आ जाता है. इसमें क्या होता है कि मींस कि हम लोग जो है डेटा जो है जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, उसको हम लोग कंप्लीट किस तरह से कर रहे हैं थ्रू मैसेजेस के, जिस तरह हम लोग जो है मैसेज पासिंग के थ्रू जो है उसको हम लोग कंप्लीट करें. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में बेसिकली होता क्या है कि जो मतलब हम लोग कितने भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स के दरमियान वो हम लोग थ्रू वाया मैसेज करें. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था पाइप्स को, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से ही कोई वो यूज़ करके तो देन जो है हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर. लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में हम लोग आर्किटेक्चर को डिफाइन करें, उसको रिप्रेजेंट करें. जैसे ये हमारे पास क्या है, कोर लेयर है और ये यूटिलिटी लेयर है. यहाँ पे मींस कि यूटिलिटी के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. और ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है जिसको हम लोग इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं. और ये एप्लीकेशन लेयर है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो यूज़र इंटरफेस लेयर है. तो यूज़र इंटरफेस लेयर मतलब ये जो है ये हमारे पास आउटर लेयर है. यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कि मींस इसमें हमारे पास फोर लेयर्स आ रही हैं, कोर लेयर, यूटिलिटी लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर एंड देन जो है हमारे पास यूजर इंटरफेस लेयर आ रही है. बस ये आपका ये वाला जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है ये बस इतना ही है. और ये हमारा वो वाला जो टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था वो कम्प्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर. इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखी क्या है, आर्किटेक्चर होता क्या है और हम लोगों ने डिज़ाइन में डिफरेंस देखा है. देन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को हम लोगों ने देखा हाई लेवल पे और लो लेवल पे.
फिर हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास तीन एलिमेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट्स। इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लोग कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास ये आ जाते हैं। और डिप्लॉयमेंट डिज़ाइन एंड देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल्स का, किस तरह से हम लोग डेट वट आर द वेज टू रिप्रेजेंट आवर आर्किटेक्चर्स। तो ये है कि डेटा सेंटर, डेटा फ्लो, कॉल एंड रिटर्न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये इसको यहाँ पे से शो किया हुआ है। आपको मैं बुक्स से भी बता देती हूँ कि बुक से जो है वो आपने कौन सा चैप्टर खोलना है। बुक पे जो आपके पास बुक्स है, बुक है ना हार्ड फॉर्म में, उस पे ये चैप्टर नंबर 13 है। और वैसे अगर सॉफ्ट फॉर्म है तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा है। मैं दिखा देती हूँ कि कौन सा चैप्टर है। अगर आपने मजीद डिटेल में पढ़ना हुआ तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ लो, मैं तब तक आपको सब सब दिखा देती हूँ। ये डिजाइन कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया है, अगर उसको भी आपने डिटेल में देखना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने वो जो पहले ही याद किया हुआ है उसमें भी स्लाइड्स में भी सेम चीज़ें ही आ रही हैं, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। और ये है चैप्टर नंबर 9, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ये आज हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, यहाँ पर वो ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है तो उसमें स्लाइड्स में ये है कि आपको स्पेसिफिक जो है वो मिल जाएगा। तो इट्स अप टू कि आपने किस तरह से इसको करना है। अगर आपने इधर से करना हुआ तो इधर से कर लीजिएगा, अगर स्लाइड से करना है तो स्लाइड से कर लीजिएगा। जो वैसे जो टॉपिक था ना वो कवर हो, उसमें भी हो गया और इधर भी कवर हो गया हुआ है, मतलब अगर आप उसको भी कर लेते हो, स्लाइड्स को भी कर लेते हो तो इट्स इनाफ, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो इट्स अप टू कि आप क्या ये जो डेटा सेंटर्ड और डेटा फ्लो इनकी डायग्राम ये बनानी है या फिर बनानी है। और जैसे मैंने थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो आप थोड़ी बहुत दे लेना कि डेटा सेंटर में क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं हम लोग एट द सेंटर और जो बाकी के जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं वो इसको एक्सेस कर रहे होते हैं और मॉडिफिकेशंस वगैरह वो सारी इधर ही हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारा ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, यहाँ से एक एक क्लाइंट बेशक उठा के कर लेना। डायग्राम्स करनी है आपने, डायग्राम्स कुछ भी नहीं है। ये देखें जैसे ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि ये थ्रू पाइप्स, आप इसमें जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और बताओगे कि थ्रू पाइप्स क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है, और थ्रू फिल्टर जो है वो डाटा क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है कि एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में, देन जो है एट द एंड ये क्या है कि यहाँ से इनपुट एंड देन जो है वो आउटपुट जनरेट हो रही है। और वो जो कॉल एंड रिटर्न वाला था उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था ये मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम्स आ रहे थे। तो आप जस्ट इसमें ये बता दोगे कि टॉप एट द टॉप ऑफ द लेयर क्या होता है, हमारे पास मेन प्रोग्राम्स आते हैं, देन हम लोग फर्दर जो है उसको डिकम्पोज करते हैं सब प्रोग्राम्स में। और ये जो था लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये वैसे ही हमें पता है कि लेयर्स में 4 लेयर्स में है, दिस इज द इनर लेयर एंड दीज ऑल आर द आउटर लेयर्स, कि ये पहली लेयर है देन उसके बाद ये, और ये जो चीज है ये क्या है हमारे पास कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा डिटेल में मतलब पढ़ना हुआ तो आप बुक से कर लेना, और वैसे स्लाइड से भी कर लोगे तो वो इनफ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के भी लिहाज से भी। ठीक है, तो ईद कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप लोग, बस आज का लेक्चर यही है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। आपका ऑलमोस्ट 40-50% कोर्स कम्प्लीट हो चुका है, 30-40%। कोई कंफ्यूजन, कुछ अगर किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम, ठीक है। नो मैम, इजी टॉपिक, क्लियर है जी। चलिए।
कोशिश तो यही है कि बस आसान करके ही पढ़ाया जाए, और साथ साथ एटलीस्ट बुक ना सही लेकिन स्लाइड्स साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो, स्लाइड्स को रट्टा लगा लो अच्छी तरह ताकि एट द एंड जो है फिर आपको इशू ना हो। और पास्ट पेपर्स नहीं मिले अलीशा, कोऑर्डिनेट किया आप लोगों ने उन बच्चियों से? यस सर, मैंने उनसे पूछा था तो कैसी कि अभी उनके टीचर्स ने नहीं दिए, तो जब तो फिर वो चले ठीक है, फिर वो जैसे ही मिलते शायद कोर्स खत्म हैं। होगा तो फिर शायद दें उनको। सही है, चले अगर फिर जैसे मिलते हैं ना तो वो फिर दिखा दीजिएगा, तो ये है कि उससे थोड़ा सा मजीद पता चल जाएगा कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। वैसे ये है कि साथ साथ बस इस तरह से ही जैसे मैं आपको साथ साथ लेक्चर कराती हूँ तो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया करो, एटलीस्ट डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लिया करो, तो बाकी तो इतना है कोई नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। और क्लास की टाइमिंग मेरी जब भी आपके साथ क्लास होगी ना वो 4:30 पे ही होगी, ठीक है? 4:30 या फिर अगर समटाइम ऐसे लाइट का इशू हो जाता है जैसे आज हो गया था तो मुझे लग रहा था नहीं आएगी, लेकिन वो शुक्र है आ गई है, तो या फिर असर के फौरन बाद, मतलब ओके जैसे मैम 5:30, ठीक है? 4:30 या 5:30 जी, क्लास का टाइम हुआ करेगा, तो बाकी फिर आप उन अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया करें। और अगर कोई टीचर क्लास नहीं लेता तो मुझे इन्फॉर्म करने, चले मुझे ना सही लेकिन सर एहसान को फिर इन्फॉर्म आपने करना है, क्योंकि वो फिर टीचर को यस बोलेंगे मैम और देन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है? जी। तो वो कल मैसेज सिर्फ आपको ही नहीं गया, वो बाकी टीचर्स को भी उन्होंने कहा है, ठीक है? तो यस मैम परेशान होने वाली बात नहीं थी, लेकिन चले चले ठीक है, मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, ये खुद बंद हो, मैं इसे खुद ही कर देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा ज़रूर, जी मैम, आप भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।